मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट यानी छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र की चुनावी मुकाबले की तस्वीर अब साफ हो गई है। कांग्रेस के वर्तमान सांसद और एक्स सीएम कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ के खिलाफ बीजेपी ने अपने जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। विवेक बंटी साहू के साथ ये सहयोग जुड़ने वाला है कि वो पिता पुत्र दोनों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने वाले विरले उम्मीदवार होंगे। इंडियन रेलवे होली पर अपने घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए देश के अनेक शहरों से फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चला रहा है। मुंबई बनारस और भोपाल रीवा के बीच होली स्पेशल ट्रेन के शेड्यूल जारी किया गया। ये ट्रेन पश्चिम मध्य रेल के खंडवा, इटारसी, पिपरिया, जबलपुर, कटनी, मेहर और सतना स्टेशनों से होकर गंतव्य को जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी रोहिंग्या के प्रदेश में बसाती है और दूसरी तरफ शरणार्थी बताकर हमदर्दी भी जताती है। उन्होंने कहा कि सीए पर ममता बनर्जी का रुख अनुचित है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार और उत्तर प्रदेश में 551 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसी बीच फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। पूर्व सांसद जया प्रदा ने कहा कि पार्टी टिकट को मैं कहीं से भी चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। सीएम योगी ने कहा कि आज हर घर नल योजना के माध्यम से आज आपके जीवन में परिवर्तन करने का कार्य हो रहा है। हर घर नल योजना के माध्यम से आज पूरे प्रदेश में हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने का कार्य हो रहा है, जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम होली पर्व के दौरान उत्तर प्रदेश वासियों को सुगम यातायात की सुविधा मुहैया कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। परिवहन निगम ने इसको लेकर बैठक भी की और बैठक में त्योहार के समय यात्रियों की भीड़ को देखते हुए होली के दौरान अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपने रोहिंग्या की बात की तो ये तो आपके ही समय पर आए थे। 2014 के बाद आए, आपकी मिली भगत या नाकामी की वजह से आए हैं। पूरे देश में कहां कहां रोहिंग्या को बसा रखा है, 2014 के बाद भी ये लोग अभी तक आ रहे हैं और रोजाना आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेजी से बदलते मौसम के बीच दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। भारत मौसम विभाग के मुताबिक 19 मार्च तक दिन के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान तापमान में भी बढ़ोतरी की संभावना है, हालांकि बारिश होने के कोई संकेत नहीं है। रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म डॉन 3 का गजब का बज बना हुआ है। फिल्म को लेकर रोज नए अपडेट्स आते रहते हैं, वहीं अब एक नई जानकारी सामने आई है जिसे सुनकर फैंस खुशी से झूम उठेंगे। रणवीर की फिल्म में एक ऐसी अदाकारा की एंट्री हुई जो करीना कपूर खान की जगह लेने वाली है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। आरसीबी ने फैंस के लिए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के एक इवेंट रखा है। इसमें मशहूर डीजे एलन वॉकर आने वाले हैं। विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस की टीम आरसीबी ने आईपीएल के ठीक पहले फैंस के एंटरटेनमेंट के लिए ये इंतजाम किया। एलन वॉकर इंग्लिश गानों के साथ साथ अन्य भाषाओं के म्यूजिक बना चुके हैं। वे महज 26 साल के हैं।